ये इनके ऑनर है और ये ड्राइवर साहब है, इनके पास दो गाड़ी है लोहा बॉडी, इसको क्या है वेल्डिंग भी करा सकते हैं, सब चीज करा सकते हैं। आई थिंक इसका टायर भी बहुत चौड़ा है ना, सॉकअप भी देख रहे हैं, मतलब एकदम हैवी है एकदम। ये वाली फाइबर नहीं है ना? नहीं, सेम है ना। अच्छा देख रहे हैं, इसका भी मैडम आने वाली है, सेम सॉकअप है। अच्छा ये महिंद्रा की है। अच्छा तो इसीलिए आपने महिंद्रा लिया है। 1,65,000 नगद है, किस्त हाँ। करके 2,00,000। एक छोटा सा सम्मान है ये आपको मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह नेवर के ओपिनियन से, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे पूरे वीडियोस देखते होंगे। गाइस आप मेरे पीछे एक महिंद्रा अल्फा देख सकते हैं जो कि चूड़ामणि दिवंगन जी का है और वो रेंट पे चलवाते हैं और ये सर हमारे रेंट में चलाते हैं और इनके पास दो गाड़ी है। तो चलिए आइए हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये महिंद्रा लिए तो महिंद्रा ही क्यों लिए और ये क्या रेंट में चलवाते हैं और ये सारी जानकारी आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप भी रेंट वाला ख़रीद के चलवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देखिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये ई रिक्शा आप क्यों खरीदे हैं? ई रिक्शा इसलिए खरीदा हूँ क्योंकि गोल बाजार जाने के लिए। अच्छा, ये ऑटो डीजल ऑटो है, गोल बाजार नहीं जा सकते। अच्छा, ये ई रिक्शा ना गोल बाजार चले जाता है। तो आपने क्या रेंट में चालू किया इसको? हाँ, रेंट में दिया। डीजल गाड़ी है। हाँ, डीजल गाड़ी क्या है, कल के डेट में ये बंद हो जाएगा। हाँ, इसलिए इसको लिया हूँ, बैटरी गाड़ी। कितने का रेंट आप देते हो ये? अब इसमें क्या है, 200 रुपये डेली है। अच्छा, 200 रुपये आप देते हो, मतलब 200 रुपये में? 200 रुपये। अच्छा, रेंट में? हाँ, रेंट। तो ये चलाते हैं मतलब? हाँ। अच्छा, अब पड़ोसी है। अच्छा, आगे दिया हूँ। हाँ। अब कोई दूसरा रहता थोड़ी दे देता। अच्छा, डीजल गाड़ी क्या है, बंद होने वाला है। हाँ, बंद हो जाएगा कल के डेट में, काका नहीं चलाऊंगा बोलेगा तो ये मेरा काम आएगा। अच्छा, तो अभी इसका एवरेज क्या दे रहा है सर? वही 90 तो दे रहा है। 90 दे रहा है। हाँ। और जब लिए थे शोरूम से तो भी इतना ही दे रहा था। हाँ। ये सिंगल बैटरी है? चार बैटरी वाली है। हाँ, चार। अच्छा, तो ये वाली फाइबर नहीं है ना? नहीं, लोहा। अच्छा, वाली है। फाइबर उसमें आता है क्या? हाँ, फाइबर उसमें वो एक सूखी बैटरी में, सूखी बैटरी में आता है फाइबर। सूखी में भी आता है, गीला में भी आता है। अच्छा, क्या फाइबर होता है ना, एक बार ठोकर लगा मतलब वो बॉडी नहीं मिलता। हाँ हाँ। ये लोहा बॉडी है, लोहा बॉडी इसको क्या है वेल्डिंग भी करा सकते हैं। हाँ। सब चीज करा सकते हैं। अच्छा, इसीलिए आपको ज्यादा पड़ गया है, लोहा। हाँ। वाला है। और कितना अभी स्पीड में इसको चला सकते हैं? वही 40 के स्पीड में चला सकते हैं। 40 है, 30 है, हिसाब से चलाना पड़ता है। जैसे रोड ठीक रहा तो 30-40 के भगाओ और नहीं तो 20-30 के ऐसे भगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या पानी हर हफ्ते डालते हो बैटरी में? नहीं, हर हफ्ते नहीं डालना पड़ता। तो भी कितने दिन ये है? क्या है, चार्जिंग होते रहता है, चार्जिंग के ऊपर है, 15-20 दिन ऐसे देखना पड़ता है। अच्छा, 15-20 दिन में डालना पड़ता है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो अभी इसको आप 15-20 दिन में आप मतलब वो करते हो, उसका कुछ वारंटी मिला है क्या बैटरी का? मिला है ना, एक साल का वारंटी है। और क्या मोटर में भी मिला है वारंटी? एक साल का उसमें भी मिला है, एक साल का वारंटी मोटर में भी मिला है। तो आप काफ़ी टाइम से इसमें, और क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब आपको महिंद्रा ही लेना है ये किसने बोला? मतलब बहुत सारी मार्केट में गाड़ी है। क्या है, मैं शुरू से महिंद्रा ही चला रहा हूँ। अच्छा, ये महिंद्रा की है? हाँ। अच्छा, तो इसीलिए आपने महिंद्रा लिया है? हाँ। अच्छा, तो आप शुरू से महिंद्रा चला रहे हैं? हाँ, शुरू से ही। लोग बोलते हैं सर्विस में प्रॉब्लम होता है महिंद्रा के? नहीं, ऐसा? नहीं, सर्विस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पहले डीजल गाड़ी में सर्विस में प्रॉब्लम था। अच्छा, ये अब बैटरी सिस्टम आ गया, अब इसको क्या है 1-2 साल चलने के बाद ही अपने पता चलेगा कि क्या है इसमें वो है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं ये इनके ऑनर है और ये ड्राइवर साहब है, तो ड्राइवर साहब से भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो सर आप कितने एज के हैं? मतलब 56 के हैं। 56 के? हाँ। मतलब काफ़ी उम्र हो गया आपका। हाँ। 60 से ऊपर हो गया? 56 साल के हैं। हाँ। अच्छा, 56 के हैं।
तो आप क्या काम करते हैं, मतलब यही काम करते हैं? शुरू से यही काम। अच्छा, तो पहले क्या डीजल वाली गाड़ी चलाते थे? पहले डीजल था, अपना खुद का था, अपन चलाते थे। अच्छा, फिर अब इनका है। अच्छा अच्छा, तो ये कितना रेंट में आप चला रहे हैं? अब ये आपसी जगह है तो रेंट का कोई बात ही नहीं है, कभी 200 कभी 250 दे देते हैं। अच्छा अच्छा, अभी कितने पर डे कितना कमाई हो जाता है मिनिमम एवरेज में? मिनिमम में वही 600-700 रुपये करीब हो जाता है। इस गाड़ी में आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब आराम है इसमें? आराम है। और जैसे कि और भी ई रिक्शा लोकल वाला है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है क्या? वो हमको अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा। ये अच्छा है, इसमें काफ़ी फैल है, है ना? और इसका लुक भी अच्छा है, इसका लुक भी अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है। हाँ 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 हाँ, तो अभी आप क्यों नहीं खरीदे गाड़ी? हमारा इरादा अपना खरीदने का नहीं है, नहीं है। किराए में चलाना। अच्छा, तो किराए में चलाना फायदेमंद है? अब इनका निकाल के अपने को बन जाता है 250-300 रुपया, बस हो गया क्या करेंगे। अच्छा, 300 तक आपको निकाल के बन जाता है? बढ़ती उम्र के हिसाब से ज़्यादा लेके फिर हड़बड़ करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कितने घंटे आप काम करते हो? मतलब 8 घंटा बस, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे। 8 घंटे चले जाते हैं घर। इसका फुल चार्ज कितने में, कितने देर में होता है? 8 घंटे में। 4 बैटरी है, 8 घंटे में फुल चार्ज। कितना बिजली बिल अभी आ रहा है अप्रोक्स? बिजली बिल कम से कम एक रोज का 50 रुपये के आसपास आता है। अच्छा, 1500 महीना बिजली बिल आ जा रहा है? 1200-1500 रुपया आता है। अभी क्या है, मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम होता है सवारी में कुछ? क्यों नहीं, ये अपनी बंधी हुई है ना, इनकी बंधी हुई है। हाँ, ये नहीं रहते तो मैं ले जाता हूँ, ऐसे ले जाते हैं। अच्छा, तो आप क्या ये गाड़ी से खुश है, महिंद्रा की? हाँ, बढ़िया है, अच्छा है। बहुत लोग बोलते हैं महिंद्रा की गाड़ी कभी अभी तक तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, इसमें बारिश में बोलते हैं बहुत प्रॉब्लम आता है, मतलब इलेक्ट्रिक वाले गाड़ी अभी में। अभी बारिश तो हमको 2-3 दिन मिला इसमें। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं हुआ है, बारिश आने वाले समय में समझ आएगा। तो ये 4 बैटरी वाला है, मतलब 15-15 दिन में आप उसको चेंज करते हो? पानी चेंज करते हैं 15 दिन में। अच्छा अच्छा, और सबसे अच्छी बात मिल जाता है कि ये पूरा बॉडी जो है टीन का है। हाँ। तो फाइबर का नहीं है, तो ये अच्छी बात हो जाता है, इसीलिए लिए हैं इसको। हाँ, इसीलिए आपने लिया है। तो काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं। इसका सॉकअप भी बढ़िया है, आई थिंक इसका टायर भी बहुत चौड़ा है ना। हाँ। सॉकअप भी देख रहे हैं, मतलब एकदम हैवी है, एकदम मतलब लंबा चलेगा ये। वही सॉकअप है दोनों। हाँ, ये भी इसी का सेम है ना। अच्छा, देख रहे हैं इसका भी मैडम आने वाली है, सेम सॉकअप है। इसका कितने का रेट पड़ जाएगा 4 बैटरी वाला? ये है 1,65,000 नगद है, किस्त में करके 2,00,000। 2 लाख के किस्त में पड़ेगा और 1,65,000 नगद में है। अच्छा, काफ़ी सक्सेस गाड़ी है, क्योंकि ये स्टील का है पूरा, तो देख सकते हैं पूरे स्टील का है, तो गाड़ी काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं बैठने के लिए भी अच्छा खासा जगह है, देख रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, राजू खान जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और इनके ऑनर से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, और इनको मैं एक छोटा सा सम्मान देना चाहूँगा। काफ़ी एज के हैं, बट ये देख रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं और डेली का ये कमाई कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। एक छोटा सा सम्मान है ये आपको मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद है इसके। धन्यवाद, और एक छोटा सा ताली में ये रिस्पेक्ट है आपको जो आप ये काम कर रहे हैं, मेहनत वाली काम है, और काफ़ी टाइम से आप कर रहे हैं मेहनत, है ना। आपके बच्चे हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब चल रहे हैं? कर रहे हैं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे का एजुकेशन आप अच्छा दे रहे हैं, मतलब, है ना। तो देख सकते हैं कि बच्चे का एजुकेशन ही अच्छा दे रहे हैं, और काफ़ी मेहनत वाला काम है। इनका कहना है महिंद्रा के 4 बैटरी वाली लो तो ज़्यादा बेस्ट है, सूखी वाली में प्रॉब्लम कभी कभार आ जाती है, बट क्या है कि ये वाली जो बेस्ट है, और ये 250-300-200 रुपये ऐसा जैसे बनता है वो देते हैं। काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, और दोस्तों आप भी ऐसी वीडियो देख सकते हैं हमारा, और कुछ ना कुछ आइडिया ले सकते हैं बिजनेस के रिलेटेड। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या करो, रेंट में चलाओ। हाँ, है ना। हाँ। रेंट में भी आप कमाई कर सकते हो, 200-300 रुपये निकाल ले रहे हैं। अभी 10,000 की नौकरी पाने के लिए भी आपको बहुत घूमना पड़ेगा। सही, अभी आपको कौन देगा नौकरी? कोई नहीं देगा। लेकिन ये ई रिक्शा आ गया मार्केट में तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, और इनका कहना है महिंद्रा की ही बेस्ट है।
है ना, महिंद्रा मेरे हिसाब से महिंद्रा बेस्ट है। और दोस्तों आप ऐसे ही हमारा वीडियो देखा कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहा कीजिए। बहुत समय आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलेगा, ऊपर वाला आपको रास्ता दिखाएगा और ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही मेरा वीडियो देखा कीजिए और जीवन में कभी हार मत मानिए और ऐसे लोग को देख के कुछ ना कुछ आप सीख सकते हैं। नेवर गिव अप इंडिया, बाय गाइस, सी यू सून। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा।